गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और यह तीसरा व्लॉग मेरा, और थोड़ी देर में मेरा व्लॉग आने वाला होगा 8 बजे। अभी तो 7:40 हो रहे हैं। अगर तुम्हें मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो यार लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। इतनी मुश्किल से व्लॉग बनाता है टीचर से छुप छुप के। तो अभी मैं भाई मेट्रो में तुम्हें मिलता हूँ स्कूल के अंदर डांस के उसमें, डांस की प्रैक्टिस में, या तो क्या कहते हैं अगर स्कूल में ब्लॉग बनाया तो तब मिलता है, तब तक के लिए। गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और अभी मैं हूँ साकेत मेट्रो में। अभी थोड़ी देर पहले ही डांस किया, स्टेज ख़त्म हुआ और घर आ रहा हूँ। भाई ऐसे गंदी हाथ धो के बाल अभी पूरे ख़राब हो रखे हैं बाल। और भाई अभी देखो कल कितना है, मेरा एक ही रूटीन है अभी कुछ दिनों से। तो इस हफ्ता तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस था, दिमाग ख़राब हो रखा था। स्कूल का इतना सारा काम है और ऊपर से डांस, भाई 2 घंटे का मतलब हालत ख़राब हो जा रही थी। अभी मेरे को घर पे रेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा और फिर मेरे को डायरेक्ट मतलब स्कूल का काम चालू करना पड़ेगा। फिर स्कूल का काम करने के बाद जैसे फ्री होंगे फिर घर के काम करने होते हैं। भाई इतना सारे काम के बीच में भाई ब्लॉग मैनेज करना भाई बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद भाई लाइक तो करते यार, इतना तो बनता ही है लाइक करना। और आज का मैं डांस का वो स्टेप मतलब वो टाइम लैप्स बनाना भूल गया था, मतलब भूला नहीं था, मैम ने फ़ोन रख दिया था। तो मतलब कल बनाऊंगा मैं। और अभी घर जाता हूँ और उसके बाद देखता हूँ क्या करना है, कहाँ जाना है। बस तो जाने का कुछ टाइम मिलेगा नहीं। मैं तुम्हें मतलब ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं 2-3 दिन से तुम्हें तो ऐसा लग रहा है कि मैं 2-3 दिनों से तुम्हें सिर्फ भाई बोर ही कर रहा हूँ। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि संडे को भाई बाहर जाऊँ अपने दोस्तों के साथ और तुम्हें मिलाऊँ अपने दोस्तों से। कल मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाने की, क्योंकि कल सैटरडे है और मैं मतलब थोड़ा बहुत चिल्ली होगी। तो मिलता हूँ तुम्हें अभी थोड़ी देर बाद, मतलब घर जाके थोड़ा रेस्ट वेस्ट करूँगा, काम वाम करूँगा, उसके बाद तो मैं मिलता हूँ चाय पीते वक्त। तब तक के लिए बाय बाय। थे शाम के 7:30 और अभी मैंने घर पे अगरबत्ती जला दी है और अभी चाय बना रही है मम्मी, चाय पीता हूँ। उसके बाद जो काम कर रहा था स्कूल का उसी को वापस से कंटिन्यू करना है भाई। मतलब घर से इस हफ्ते मतलब कहीं भी निकला नहीं गया, पूरा दिन बस एक ही रूटीन बन गया था भाई। डेली रूटीन था ऐसा मेरा, सुबह सुबह उठो, स्कूल जाओ, वापस आओ, मतलब 4-5 बजे वापस। आज मैं घर 5 बजे पहुंचा था, तुमने देखा ही था 4:30 बजे मैं मेट्रो में था। 5 बजे घर पे आओ, घर पे आने के बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करो, फिर स्कूल का काम, फिर उसके बाद घर के काम थे, फिर से स्कूल का काम, और ऐसी रात कब निकल जाते पता नहीं चलता। और अभी भाई 7:30 बज गए और अभी भी मैं बाहर, आज भी कहीं ज़्यादा बाहर जा ही नहीं पाया मैं। तो अभी देखता हूँ मैं अपना काम कंप्लीट करता हूँ और फिर कहीं बाहर जाना होगा तो अभी फिर देखता हूँ। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के, सॉरी शाम के नहीं, मतलब शाम में मतलब 8 बज रहे हैं अभी। और अभी भी मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है और अभी पापा का आने का टाइम भी हो गया है। तो जल्दी से खाना भी खा लूँगा और फिर सोने चले जाऊँगा। और उससे पहले मैं आपसे कुछ बात कर लेता हूँ। मेरे को लगता है कि सभी बिग बॉस तो देख ही रहे होंगे भाई, जिस जितनी हाइप चल रही है बिग बॉस की। तो मैं मतलब कल का एपिसोड अगर तुमने देखा होगा तो भाई अभिषेक और अविनाश की क्या सही फाइट हुई। मतलब भाई अभिषेक ने भाई ले ली भाई अविनाश की, मतलब तो भाई कसम से अविनाश की भाई ऐसा भाई क्या बोला है, कैप्टन ऑफ द शिप, घंटा कैप्टन था भाई। मतलब इतनी गंदी बेइज्जती करी ना अविनाश की भाई, अविनाश अभी भी भाई हंस ही रहा है। मतलब भाई क्या बंदा है वो भाई, अपनी बेइज्जती हंसता रहता है। मतलब वो कोई भी बेइज्जती करके चले जाता है भाई, फलक के, हाँ फलक भी मतलब कभी कभार बेइज्जती कर देती है उसकी भाई। एलविश, अभिषेक, आशिका, खुद बिग बॉस की कितनी बार बेइज्जती कर चुके हैं, हर वीकेंड के बारे में सुनता है और उसके बाद भाई फिर भी हंसता रहता है। मतलब भाई शर्म नाम कोई चीज़ ही नहीं है उसको भाई। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि अविनाश जाए क्योंकि भाई मेरे को मज़ा आता है कि मतलब सुनता है ना जब, वो ज़्यादा मज़ा आता है मेरे को। और बाकी तो सबसे थोड़ा तुम्हें बैकग्राउंड चेंज दिख रहा होगा क्योंकि वो अभी वहाँ पे जहाँ पे मैं अभी बैठा था, जिस रूम में वहाँ पे लाइट चली गई थी हमारे यहाँ पे, तो मैं अभी अपने रूम में आया था। तो मैं कह रहा था अविनाश के बारे में, तो मैं चाहता हूँ अविनाश बिग बॉस में रहे और उसकी और थोड़ी वाट लगे और धीरे धीरे करके मतलब जो फालतू लोग हैं जैसे जिया, फलक, ये जाए। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, बज गए 9 बज गए। मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि भाई अभी तो बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन जितने भी आ रहे हैं भाई अच्छे से देखो यार व्लॉग पूरा देखो, लाइक करो अगर अच्छा लगता है व्लॉग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही बारी में बढ़ा दो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।